हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में इस लेक्चर में हम जो है एरिस्टोटल जो कि एक महान वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे उनको कवर करने वाले हैं उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को कंप्लीटली जो है डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बने रहिए वीडियो के अंत तक उनके उनके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा एरिस्टोटल उनका टाइम पीरियड था थ्री हंड्रेड से लेकर थ्री हंड्रेड तक तो चलिए इस तरह से हम उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को हम कवर करने वाले हैं तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले हम उनकी बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करेंगे फिर उसके बाद जो उनके विचार हैं उनके गुरु के विचारों के साथ उनको कंपेयर करते हुए उनको देखेंगे क्या क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं साथ ही साथ उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं और मैथडोलोजी है उसको देखा जाएगा उसके बाद जो उनके द्वारा इंपॉर्टेंट थ्यूरीज दी गई हैं जैसे थ्यूरी ऑफ स्टेट थ्यूरी ऑफ जस्टिस थ्यूरी ऑफ इक्वालिटी एंड स्लेवरी थ्यूरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड सिटीजनशिप और साथ ही साथ जो उनके द्वारा थ्यूरी ऑफ रेवोल्यूशन दी गई है उनको कंप्लीटली वन बाई वन करके डिस्कस किया जाएगा इस तरीके से हम एरिस्टोटल के पोलिटिकल थाइट्स को कवर करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले उनकी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं एरिस्टोटल जो बाड हुए थे कहाँ पे स्टेग्रा में एक स्माल ग्रीक क्लोनी में स्टेग्रा जो एक स्मॉल ग्रीक क्लोनी थी एरिस्टोटल प्लेटो के डिसाइपल थे और साथ ही साथ वो एक महान शिक्षक भी थे किसके एलेक्जेंडर द ग्रेट आपने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को कंक्यूर किया था तो वो उनके क्या रहे हैं शिक, उनके शिक्षक शिक रहे हैं उनको फादर ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर एनालिटिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच को लेकर उनको जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और उन्होंने डिटेल में अपने का व्यूज दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है उनको फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है क्यों क्योंकि उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स को अंडर डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है आगे वाली स्लाइड्स में आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं कि डिटेल में उन उनके द्वारा जो गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई किया गया वो कौन कौन टाइप से टाइप्स हैं किस तरह की गवर्नमेंट्स हैं कौन रन करेगा कितने लोग जो है उस 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 गवर्नमेंट को रन करेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज में उन्होंने गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई किया है तो इसलिए उनको फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है वो एक प्रैगमेटिक थिंकर थे मतलब उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच थी वो आ, अपने जो गुरु हैं जिन जिनके आइडियाज यूटोपियन थे मतलब वो इम प्रैक्टिकल आइडियाज थे उनसे टोटली डिफरेंट डिफरेंट करते थे क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी वो प्रैक्टिकल अप्रोच थी वो अपने गुरु के आइडियाज़ को बेस बनाते हुए उनको मॉडिफाई करके जो रियलिटी में जो प्रेक, उनको प्रैक्टिकल बनाना चाहते थे वो फाउंडर थे कि उनकी जो इंस्टीट्यूशन का नाम है जो स्कूल का नाम था वो लाइजियम था उन्होंने बहुत सारा समय जो है एथन में व्यतीत किया और एथन में उन्होंने बाद में जो है लाइजियम इंस्टीट्यूशन को खोला जहाँ के वे वो मास्टर थे नेक्स्ट पॉलिटिकल आइडियोलिज्म के रियलिज्म के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखते थे क्यों उनकी साइंटिफिक और एनालिटिकल अप्रोच थी जबकि उनके गुरु जो हैं वो डील करते थे किसके साथ उनका रिलेट करते थे किसके साथ पॉलिटिकल आइडियलिज्म के तो वो को सुपीरियर मानते थे धन मैटर इनका साइंटिफिक और एनालिटिकल टेम्पर क्यों था क्योंकि उन इनके मेडिकल फैमिली बैकग्राउंड थी इनके फादर जो थे वो फिजिशियन थे कहाँ पे? इन द कोर्ट ऑफ अमांतियास सेकेंड जो मैसेडोनिया के किंग थे तो जब भी आप देखोगे किसी भी पॉलिटिकल थिंकर के विचार कैसे हैं अगर उसको आपने समझना है तो आप उन उसकी बैकग्राउंड को जानने का प्रयास कीजिए आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि उसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड से उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है और बाद में उन्होंने जो विचार दिए वो अपनी जो अपब्रिंगिंग्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो अपने विचारों को देते हैं जैसे आपने देखा होगा जो प्लेटो जो है वो टोटली डेमोक्रेसी के खिलाफ थे क्यों क्योंकि जब उनकी अपब्रिंगिंग हो रही थी उनके जो गुरु हैं जो उनके बहुत प्रिय थे उनको जो है डेथ सेंटेंस दी जाती है उनको जहर का पल्याला दे के मार दिया जाता है तो उससे वो ये एक टर्निंग पॉइंट था उनके जो पोलिटिकल थाट्स में तो ये ये चीज़ें जो है अगर आप किसी भी थिंकर के बैकग्राउंड को सम उसके पोलिटिकल थाट को समझना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बैकग्राउंड को समझने का प्रयास कीजिए नेक्स्ट अरिस्टोटल जो थे वो नॉन एथिन थे उनका जन्म एथन में नहीं होता लेकिन उसने अपने अपना बहुत सारा समय जो है एथन में व्यतीत किया था फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ स्टूडेंट इन द प्लेटोज एकेडमी और देन उसके बाद जो है उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोला लाइज्यूम जहाँ पे वो उसको रन करते थे अब हम उनके थाट्स को जो है एरिस्टोटल के थाट जो है उनके गुरु के थाट के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का प्रयास करेंगे एरिस्टोटल जो है वो सबसे बड़े एक ग्रेटेस्ट डिसाइबल सबसे प्रिय शिष्य थे किसके प्लेटो के और उतने ही ज़्यादा क्रिटिक भी माने जाते हैं प्लेटो के ऐसा नहीं है कि वो उनके टोटल उनके अपने गुरु के आइडियाज़ को टोटली रिजेक्ट करते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपने गुरु के आइडिया को बेस बनाते हुए जो उनमें लूप होल्स हैं उनको दूर करते हुए उनको प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करते हैं एरिस्टोटल बिगेन फ्रॉम वेयर प्लेटो एंडजप जहाँ से प्लेटो छोड़ते हैं वहाँ से एरिस्टोटल अपने थाट्स को डेवलप करने का प्रयास करते हैं उन दोनों थिंकर्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी आइए देख लेते हैं दोनों जो है स्टेट को प्राइमेसी देते हैं ओवर इंडिविजुअल्स वो मानते हैं कि स्टेट नेसेसरी है स्टेट एक इसेंस है, स्टेट एक बुनियाद है एक अगर एक गुड लाइफ को अचीव करना जो इंडिविजुअल्स का एम है तो वो सिर्फ स्टेट में ही फुलफिल हो सकता है क्योंकि स्टेट जो है वो सेल्फ सोफिशेंट होती है क्रिटिक ऑफ सॉफिस्ट ट्रेडिशन वो सॉफिस्ट ट्रेडिशन के क्रिटिक थे दोनों सॉफिट सॉफिस्ट कौन थे सॉफिस्ट थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूम कर जो है नॉलेज को स्प्रेड करते हैं तो उनका मानना था जो सोफिश थे वो करप्ट हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे रूलिंग क्लास से तो जो भी वो रूलिंग क्लास के जो मोटिव्स हैं जो इंटरेस्ट हैं जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करते हैं ना कि ट्रू नॉलेज को स्प्रेड करने का प्रयास करते हैं तो इसलिए वो सोफिस ट्रेडिशन के खिलाफ थे बिलीव इन नेचुरल इक्वालिटी दोनों थिंकर जो है नेचुरल इन में विश्वास रखते थे सबसे सब पहले जब आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जब प्लेटो की हमने बात की थी उनकी थ्यूरी ऑफ सोल को डिस्कस किया था वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लेटो जो है सोल्स को तीन भागों में तीन कैटेगरीज में रखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे कुछ सोल्स में जो है एपेटाइट डामिनेंस करती है वो प्रोड्यूसिंग क्लास कहती है जहाँ पे कुछ क्लासेज हैं जहाँ पे विजडम ज़्यादा है वो रूलिंग क्लास कहलाती है और जिनमें करेज ज़्यादा है डोमिनेंस करता है वो वरियर क्लास का कैटेगरी में रखते हैं उनको तो इसी तरीके से उनका मानना था कि बाय बर्थ जो है इंडिविजुअल की सोल जो है थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होती है उस उन, उन तीन कैटेगरीज में कोई एक जो आ, कैटेगरी है वो डोमिनेंस करती है तो इसलिए वो नेचुरल इनक्वालिटीज़ में विश्वास रखते हैं इसी तरीके से एरिस्टोटल जो है वो भी नेचुरल इनक्वालिटी में विश्वास रखते हैं उनका मानना था कि कुछ इंडिविजुअल्स कुछ पर्सन जो है मेंटली स्ट्रांग होते हैं कुछ फिजिकली स्ट्रांग होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनको वो मास्टर्स कहते हैं और जो फिजिकली स्ट्रांग है उनको स्लेव कहते हैं तो इस तरीके से वो नेचुरल इनिक्वालिटी में दोनों थिंकर जो है विश्वास रखते हैं दोनों का मानना था कि जो पॉवर्टी भी दिख उनका मानना था कि पॉवर्टी क्यों है गरीबी क्यों है किसके कारण होती है अज्ञानता के कारण तो इस अज्ञानता को कैसे दूर किया जाना चाहिए बाय नॉलेज दोनों नॉलेज वर्चुअज नॉलेज की जो डेफिनेशन जो जो सॉक्रेट्स के द्वारा दी गई उसको मानते हैं डोमिनेंस ऑफ रीजन ओवर पैशन दोनों का मानना था कि रीजन जो है डोमिनेंस करना चाहिए पैशन के ऊपर दोनों रीजन के ऊपर विश्वास रखते थे सेल्फ सोफाइजिंग स्टेट दोनों का मानना था कि सेल्फ सफिशिएंट स्टेट ही जो है वो इंडिविजुअल्स की गुड लाइफ को अचीव कर सकती है इसलिए बाकी जो अदर इंस्टीट्यूशंस है जैसे एक इंडिविजुअल है वो मिलकर जो है फैमिली का कर निर्माण करते हैं फैमिली से कम्युनिटीज डेवलप होती हैं कम्युनिटी का निर्माण होता है और कम्युनिटी से जो है स्टेट का निर्माण होता है लेकिन जो बाकी इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या हैं वो सेल्फ सफिशेंट नहीं है ओनली स्टेट इज द सेल्फ सफिशेंट इंस्टीट्यूशन इसलिए वो स्टेट को हाइएस्ट रखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लाटो एंड एरिस्टोटल प्लाटो और एरिस्टोटल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं आइए देख लेते हैं प्लेटो uh, जो एक रेडिकल थिंकर थे जबकि एरिस्टोटल uh, जो थे कि रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव थिंकर थे ऐसा क्यों था क्योंकि प्लेटो जो देखे आपने आ, उनकी जो थ्योरी ऑफ़ फ़ किंग है उसको स्टडी किया होगा यहाँ पे वो डेमोक्रेसी को टोटली उखाड़ कर फेंकना चाहते थे और वहाँ पे जो किंग का रूल एस्टेब्लिश करना चाहते थे ऐसा क्यों था वो मानते थे कि डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ इग्नोरेंट है करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसलिए एक एक पर्सन का रूल होना चाहिए किंग का रूल होना चाहिए जो उनकी आइडिया स्टेट है उस, उसमें अपना कंसेप्ट देते हैं तो इसलिए वो क्या थे एक रेडिकल थिंकर थे मतलब कंप्लीटली सिस्टम so को चेंज करने की बात करते थे जबकि जो थे एक थे एक रिफॉर्मिस्ट एंड कंजर्वेटिव थिंकर वो स्टेटस स्टेबिलिटी को प्रेफरेंस देते थे और चेंज तो इसलिए वो छोटे छोटे लूब होल हैं उनको सिस्टम से बाहर करके उस सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं ना कि कंप्लीटली चेंज की बात करते हैं प्लेटो जो थे वो पॉलिटिकल आइडियलिज्म के साथ वो आइडियाज को सुपीरियर मानते थे देन मैटर वो पॉलिटिकल आइडियाज को आइडियलिज्म के साथ रिलेट करते हैं जबकि एरिस्टोटल जो है पॉलिटिकल रियलिज्म के साथ डील करते हैं रियलिटी को जो मैटर है और मानते थे कि फॉर्म और मैटर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं प्लेटो की जो अप्रोच थी वो डिडक्टिव अप्रोच थी जबकि एरिस्टोटल की जो अप्रोच थी वो इंडक्टिव थी डिडक्टिव का मतलब जनरल से पर्टिकुलर प्लेटो जनरल से पर्टिकुलर सामान्य से पर्टिकुलर की तरफ जो खास है उसकी तरफ मूव करने की बात करते हैं जबकि अरेस्ट्रोज इंडक्टिव अप्रोच मतलब पर्टिकुलर से जनरल ठीक है उसके बाद जो है प्लेटो मानते थे कि स्टेट जो है एक नेचुरल आर्टिफिशियल क्रिएशन है स्टेट क्या एक है।, है, है एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है स्टेट इंडिविजुअल के द्वारा का, क्रिएट का, की गई है टू अचीव द गुड लाइफ और इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल सोल के अकॉर्डिंग जो है उनको ड्यूटीज दी जाती हैं एरिस्टोटल uh, जो मानते थे कि स्टेट जो है कि नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये इवॉल्व हुई है ठीक है इवॉल्व एंड ग्रोथ ग्रोथ के कारण जो है धीरे धीरे जो है इवॉल्व हुई है प्लेटो के मुताबिक जस्टिस क्या है परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज अपने कर्तव्य को करना जैसे सोल के अकॉर्डिंग जो भी आपको ड्यूटीज़ है उसको अच्छे से निर्वाह करना और दूसरे के जो काम में है वो इंटरफेयर नहीं करना एक हारमोनी बना के रखना तो इसको वो जस्टिस का नाम देते हैं इसको जस्टिस मानते हैं जस्टिस की डेफिनेशन देते हैं जबकि एरिस्टोटल मानते हैं कि इन्जॉय वंस राइट जो भी आपके राइट हैं जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया राइट टू फैमिली हो गया ठीक है तो ये सारे राइट को इंजॉय करना ही जस्टिस है प्लेटो मानते थे कि किसका रूल होना चाहिए रूल ऑफ किंग होना चाहिए एक एक नॉलेजेबल पर्सन का रूल होना चाहिए जबकि एरिस्टोटल मानते थे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए तो दोनों में ये डिफरेंसेस थे देखिए एरिस्टोटल बहुत बड़े शिष्य थे किसके प्लेटो के लेकिन अपने गुरु के आइडियाज को कैसे क्रिटिसाइज करते हैं उनको प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं सबसे पहले उनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है पॉलिटिक्स उसके बाद मेटा पॉलिटिक्स जो है एक इंपॉर्टेंट वर्क्स है बाकी वर्क्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए मेटा फिजिक्स मैनिकिन इथिक्स द फिजिक्स द मेटाफिजिक्स द एंडमेन एथिक्स ए रिट्रोरिज ऑन द साउल द प्रोट्रेपेटिक्स द पॉइटिक्स एंड द मेट्रोलॉजिक तो ये सभी जो है इनके इंपॉर्टेंट वर्क थे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट वर्क्स है जहाँ पे आपने काफ़ी सारे थाट्स को जो है वो पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट उनकी को, किस टाइप की मैथडोलॉजी थी आइए देख लेते हैं उनका जो मैथोलॉजी था साइंटिफिक एंड एनालिटिक था उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच थी ठीक है वो कॉमन सेंस के ऊपर जो है रिलाई करते थे उनकी अप्रोच कैसी थी इंडक्टिव थी मतलब ज, आ, वो पर्टिकुलर से जनरल की तरफ मूव करने की बात करते थे आ, जैसे आपने देखा होगा उनके गुरु जो है प्लेटो वो डिडक्टिव अप्रोच फॉलो करते थे वो मानते थे कि सबसे पहले जो है एक थ्योरी होगी फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा उस एकस्पे... लेकिन जब क्या होगा इंडक्टिव अप्रोच में क्या होगा जब भी आ, कुछ इंडिविजुअल जो है क्या लर्निंग करेगा एक्सपीरियंस करेगा तो उसके बाद जो है कुछ एक थ्योरीज़ को जनरल थ्योरीज़ को डेवलप किया जाएगा तो इस तरीके की अप्रोच थी किसकी एरिस्टोटल की एरिस्टोटल कि अप्रोच से हिस्टोरिकल एंड कम्पेरेटिव मतलब वो मानते थे कि अगर आपने प्रेजेंट को अच्छे से समझना है तो आपको पास की भी नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है पास्ट के एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए तो उनकी हिस्टोरिकल अप्रोच थी और साथ ही साथ कंपेरेटिव वो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम को कंपेयर किया उस समय के तो अपनी एक थ्यूरी को दिया तो वहाँ पर वो वन हंड्रेड फिफ्टी एट कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद जो है गवर्नमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं अंडर अंडर सिक्स कैटेगरीज में तो आओ, उन, उनको उन, डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं उनकी अप्रोच थी टेलोलॉजी मतलब जो टेलोलॉजी एक पर्पस होना चाहिए एक डेस्टनी होनी चाहिए ठीक है स्टडी ऑफ डेस्टनी मतलब जो मानते थे कि किसी भी काम को करने के लिए एक डेस्टनी और एक पर्पस होना जरूरी है टेलोलॉजी का मतलब है तो उनका मानना था कि स्टेट का निर्माण क्यों हुआ टू अचीव द गुड लाइफ तो गुड लाइफ ही जो अल्टीमेटली एम है इंडिविजुअल का वो किस में पूरा हो सकता है एक सेल्फ सफिशियंट स्टेट में पूरा हो सकता है उसको कैसे पूरा किया जाएगा वो डिफरेंट डिफरेंट मैथड जो है डिस्कस करते हैं और अपनी थ्यूरीज को देते हैं जैसे थ्यूरी ऑफ स्टेट को देते हैं थ्यूरी ऑफ जस्टिस को देते हैं तो अल्टीमेटली एम जो है उनका क्या था अचीव गुड लाइफ तो दर्शनी क्या है गुड लाइफ तो उनकी मैथोलॉजी थी एक टेलोलॉजिकल uh, मैथडोलॉजी को फॉलो करते थे नेक्स्ट उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट को डिस्कस कर लेंगे एक मॉडर्न थ्योरी है जहां से अक्सर क्वेश्चन uh, को फ्रेम किया जाता है उनके मुताबिक स्टेट जो है नेसेसरी है कुछ एक थिंकर जैसे कार्ल मार्क्स हो गए वो मानते थे कि स्टेट जो है नेसेसरी ईवल है लेकिन उसके अपोजिट जो है अरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट जो है नेसेसरी है इसी तरीके से उनके ग्रुप प्लेटो भी कहते हैं कि स्टेट जो है नेसेसरी स्टेट एक बुनियाद है जहाँ पे एक सेल्फ सफिशेंट स्टेट के अंदर रहते हुए इंडिविजुअल गुड लाइफ को अचीव कर सकता है स्टेट इज प्रायर टू मैन अरिस्टोटल मानते थे कि स्टेट जो है किसे इंसान से पहले है क्यों वो मानते थे कि मैन जो है बाई क्रोनोलॉजिकली प्रायर टू स्टेट हो सकता है मतलब अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाएगा तो मैन का बर्थ पहले हो सकता है स्टेट से लेकिन अगर आप लॉजिकली देखोगे तो स्टेट क्या है प्रायर टू मैन है उनके मुताबिक मैन इज पॉलिटिकल बाय नेचर उनके मानना था कि मैन जो है इंसान जो है वो पॉलिटिकल है बाय नेचर इंसान अकेले नहीं रह सकता है वो एक एक बीस्ट या फिर एक गॉड ही अकेले रह सकता है लेकिन एक इंसान अकेले नहीं रह सकता मैन सोशल भी है और पोलिटिकल भी है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं यूनिटी की बात नहीं करते एक तरह का सिस्टम या फिर एक तरह के विचार की बात नहीं करते वो मानते थे वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते थे उनके मुताबिक स्टेट कैसी होनी चाहिए स्टेट क्या है स्टेट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ यूनिटी सॉरी स्टेट क्या है एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है जैसे फैमिली हो गया फैमिली कम्युनिटीज़ होगी, तो ये ए, एक एसोसिएशन है और उनका सबसे बड़ा जो एसोसिएशन है वो क्या स्टेट है क्यों उनको स्टेट uh, को हाईएस्ट एसोसिएशन मानते हैं क्योंकि एक uh, बाकी जो इंस्टीट्यूशन है वो सेल्फ सुफिशियंट नहीं है एक स्टेट ही जो है वो सेल्फ सुफिशियंट है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है अपने लाइफ के जो ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल कर सकता है स्टेट एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है स्टेट जो है ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है ना कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड की गई है नेक्स्ट स्टेट जो है वो सेल्फ सफिशियंट इंस्टीट्यूशन है मतलब तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता सेल्फ सफिशियंट है ऑर्गेनिक नेचर मतलब जिस तरह से एक इंडिविजुअल की बॉडी है उसकी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं इसी तरीके से स्टेट के भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्ग्स होते हैं जैसे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो अपने जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को परफॉर्म करते हैं स्टेट के में क्या होना चाहिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए क्योंकि वो मानते थे उनके गुरु मानते थे कि रूल ऑफ पर्सन होना चाहिए नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए जबकि अरिस्टोटल का मानना था कि एक पर्सन कभी भी करप्ट हो सकता है इसलिए जो लाज है उ, 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 उनका रूल होना चाहिए क्योंकि जो लाज है वो लिए जाते हैं किस तरीके बिना किसी के स्वार्थ के जब एक आ, तो इसलिए लॉज uh, कभी भी करप्ट नहीं हो सकते वो रीजनेबली लिए जाते हैं डिसीजन फ्रेम किए जाते हैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए या फिर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए इस तरीके से अपनी थ्योरी ऑफ स्टेट को देते हैं नेक्स्ट वो uh, अपनी गवर्नमेंट्स uh, को क्लासिफाई करते हैं अंडर डिफरेंट कैटेगरीज तो आइए देख लेते हैं वो 158 हंड्रेड कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद ये अपनी क्लासीफाईकेशन ऑफ गवर्नमेंट की परिभाषा को देते हैं वो uh, कौन कौन रूल करेगा नंबर ऑफ रूलिंग क्लास क्लास कौन सी क्लास रूल करेगी कितने लोग होंगे उसमें रूल करने वाले uh, वो गवर्नमेंट uh, को दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं एक प्योर फॉर्म है एक परवर्टेड फॉर्म है प्योर फॉर्म में वो जब प्योर फॉर्म कौन सी होगी जब रूल किया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल और परवर्टेड फॉर्म किया होगा जब रूल किया जाएगा इन द इंटरेस्ट ऑफ़ इन द इन द सेल्फ इंटरेस्ट में जब रूल किया जाएगा तो उसको परवेटेड फॉर्म की कैटेगरी में रखते हैं जब एक इंसान का रूल होगा और वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए होगा उसको मनैरकी कहते हैं और जब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होगा उसको टायरनी कहते हैं रूल ऑफ फ्यू कुछ लोगों का रूल होगा तो उसको अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल होगा तो एरिस्टो कहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ इन द सेल्फ इंटरेस्ट होगा तो आई की कहते हैं वो कलीगिर की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो रूल ऑफ मैनी जब बहुत सारे लोगों का रूल होगा मतलब काफ़ी सारे लोग जो है मिलकर रूल करेंगे तो वहां पे जो है अगर वो इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल हुआ तो उसको पोलिटिक कहते हैं और अगर सेल्फ इंटरेस्ट हुआ तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं रूल ऑफ मैनी मतलब जहाँ पे मिडिल क्लास का रूल होगा तो इस तरीके से वो प्योर फॉर्म और परवर्टेड फॉर्म में गवर्नमेंट्स गौर्में को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स तो उनका ये मानना था कि ये जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है एक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ए, न, समय के साथ जो है तब्दील होती रहती है बदलती रहती हैं कुछ लूप होल्स उसमें डेवलप होते हैं तो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है दूसरी तीसरी को रिप्लेस करती है तो इस तरीके से एक साइकिल बनता है जैसे मोनैर की सबसे पहले है उसके बाद जब एक इंडिविजुअल का रूल होगा जब वो करप्ट हो जाएगा सेल्फ इंटरेस्ट में रूल करना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगा डब टायरनिंग हो जाएगा तो एक रेवोल्यूशन होगी रेवोल्यूशन के बाद जो है कुछ लोग जो है सामने आएंगे वो क्या होंगे नॉलेजेबल होंगे और वो कॉमन पीपल के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो धीरे धीरे जो है रूल आ, <coughs> धीरे धीरे रूल करना स्टार्ट है रूल को अपने हाथ में ले लेंगे तो इस तरीके से एरोस्ट एरिस्टोक्रेसी का जन्म होगा उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें लूप होल्स डेवलप होंगे सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना स्टार्ट हो इस तरीके से वो आईली एरिस्टोक्रेसी जो है आईलीगर की जो है एरिस्टोक्रेसी को रिप्लेस करेगी उसके बाद जो पोलिटिक आईलीगर को रिप्लेस करेगी तो फिर डेमोक्रेसी इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए एक साइकिल एक चेन बनाएंगे उनके मुताबिक मनरकी को है मनैरकी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट अ प्रैक्टिकल वन उनके मुताबिक मनैरकी क्या है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो मानते थे कि पॉलिटी जो है एक गोल्डन जो उनके द्वारा गोल्डन रूल दिया गया उसको फॉलो करती है कौन पॉलिटी पॉलिटी एक बीच का रास्ता है किसके बीच में ओलीगर की डेमोक्रेसी के बीच में जहाँ पे क्वालिटी भी है यहाँ पे क्वान्टिटी भी है क्योंकि ये रूल बाए मिडिल क्लास होगा उनके मुताबिक पॉलिटी जो है क्या एक बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अगर आ, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एरिस्टोटल के मुताबिक कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म है तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो कौन सी है पॉलिटी है और अगर पूछा जाए तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या वो वनैर की है आइए हम उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को देख लेते हैं उनके मुताबिक जस्टिस इज वेरी सेंस ऑफ द स्टेट उनके मुताबिक जस्टिस क्या है एक स्टेट की बुनियाद है फाउंडेशन है बिना आ, अपने जस्टिस के स्टेट कुछ भी नहीं है स्टेट वायलेंस में तब्दील हो जाती है और स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाती है स्टेट इज वर्चू बट इट इज मोर देन वर्चू इट इज वर्चू इन एक्शन स्टेट क्या है जस्टिस uh, क्या है एक वर्चू है लेकिन ये वर्चू से भी ज्यादा क्योंकि ये वर्चू इन एक्शन है जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रीजन है ये एक वर्च्यू है लेकिन अगर आपका रैशनल कंडक्ट है तो ये क्या हो गया ये जस्टिस है मतलब कहने का मतलब है जब वर्चुअ एक्शन में इंप्लीमेंट एक्शन में तब्दील होता है तो उसको जस्टिस कहा जाता है द गुड इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स इज जस्टिस एंड जस्टिस टेंड वो प्रमोट इन द जस्टिस क्या जब आप कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं तो उसको जस्टिस कहा जाता है जस्ट मीन वट इज़ लॉफुल और वट इज फेयर एंड इक्वल जस्टिस क्या जो भी फेयर है जो इक्वल है जो लॉफुल है जो लॉज को फॉलो करते हुए आप किसी चीज को एम्प्लीमेंट करते हैं इक्वलिटी और फेयरनेस को ध्यान में रखते हो तो उसको जस्टिस कहा जाता है जस्टिस को एरिस्टोटल दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं दो 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 टाइप्स में डिवाइड करते हैं उनके मुताबिक जस्टिस जो है जनरल जस्टिस भी है और पर्टिकुलर जस्टिस भी है और फर्दर पर्टिकुलर जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव जस्टिस में डिवाइड करते हैं उनके मुताबिक जनरल जस्टिस क्या है जनरल जस्टिस मिन कंप्लीट गुडनेस नॉट ओनली himself बट also टूवर्ड्स his नेबर सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करना अपने जो साथी हैं अपने नेबरर्स हैं अपने जो कुलीग्स हैं उनके इंटरेस्ट की भी जब आप बात करते हो तो उसको जनरल जस्टिस की कैटेगरी में रखते हैं जब जनरल जस्टिस को जो लोग फॉलो करते हैं वो स्टेट से ज़्यादा डिमांड करते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं वो सिर्फ ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि उनको क्या करना है अल्टीमेटली वर्क करना है किसके लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द कामन people पर्टिकुलर जस्टिस क्या हो गया जब आप लॉ के अंदर रहते हुए आप स्टेट uh, से डिमांड करते हो कि जितना आप डिजर्व करते हो उसी से आपको दिया जाना चाहिए तो, तो उसमें उस, 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 वो जनरल पर्टिकुलर जस्टिस है अपने खुद के लिए जो आप डिमांड करते हो उसको पर्टिकुलर जस्टिस कहा जाता है वो पर्टिकुलर जस्टिस को फर्दर दो टाइप्स uh, में डिवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और uh, करेक्टिव जस्टिस में तो डिस्ट्रीफ जस्टिस क्या हो गया जब आप रिवार्ड्स और ऑनर्स देते हो अकॉर्डिंग टू द मैरिट जो जितना डिजर्व करता है जितना कंट्रीब्यूट करता है उसी हिसाब से जब आप उसको रिवार्ड्स देते हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है मतलब इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली जो इक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए जो अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे स्लेव्स और मास्टर जो फिजिकली स्ट्रांग है कुछ मेंटली स्ट्रांग है तो उन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाना चाहिए ना कि उन दोनों को अगर आप एक जैसा ट्रीट करोगे तो वो भी एक इनजस्टिस होगा करेक्टिव जस्टिस में जब आप जो वंचित हैं जो पिछड़े हैं उनको आप उनके हक देते हो तो इसको जस्टिस कहते हैं और जो दूसरों के हक को आ, आ, हक छीनते हैं या द, उन, उनके राइट्स में दखल अंदाजी करते हैं तो उनको पनिश किया जाना थे, ये क्या है ये कुरेक्टिव जस्टिस कहते हैं एरिस्टोटल अब उनके जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को हम कंपेयर करते हुए स्टडी करने का प्रयास करते हैं क्या क्या उनमें डिफरेंसेस थी क्या कंपैरिजन था प्लेटो मानते थे परफॉर्मेंस ऑफ वन ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ वन एबिलिटी एंड कैपेसिटीज प्लेटो के मुताबिक जस्टिस क्या अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज जैसी जैसी एबिलिटीज मतलब सोल के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल की डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज हैं और अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए उसी हिसाब से जो भी आपको रोल दिया गया उसको परफॉर्म करना प्लेटो के मुताबिक जो जस्टिस है एरिस्टोटल के मुताबिक क्या कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना स्टेट को कंट्रीब्यूट कर उसी हिसाब से आपको रिवार्ड दिया जाना चाहिए ये क्या है जस्टिस है प्लेटो का जस्टिस है वो ड्यूटीज ओरिएंटेड है जबकि एरिस्टोटल का जो है राइट्स ओरिएंटेड है प्लेटो का जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो मॉरल और फिलासफिकल बेस है उसका जबकि एरिस्टोटल का लीगल है एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है वो इनर सेल्स के साथ बिलोंग करता है जबकि एरिस्टोटल uh, का जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज के, के साथ या मैं एक्शन के साथ बिलोंग करता है क्योंकि प्लेटो जो अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सोल जो इनर सोल है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको वो अलाट वर्क ड्यूटीज अलाट करते हैं और उस ड्यूटीज़ को करना ही जो है बिना किसी दूसरे के काम में दखल अंदाजी करते हुए तो उसको जस्टिस मानते हैं जबकि नरिश का मानना था कि जो भी जितना कंट्रीब्यूट करें उस हिसाब से उसको क्या करना चाहिए पे बैक किया जाना चाहिए तो ये जस्टिस है नेक्स्ट हम उनकी जो थ्यूरी ऑफ इक्वालिटी है उसको डिस्कस कर लेते हैं उनके मुताबिक जो थ्योरी ऑफ जो इक्वालिटी है उनकी वो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो सॉरी थ्योरी ऑफ स्लेवरी है उसको जो है जस्टिफाई करती है कैसे उनके मुताबिक जो इक्वल्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए जो अनिक्वल्स हैं अनइक्वली मास्टर और स्लेव्स को जो है डिफरेंटली ट्रीट किया जाना चाहिए डिफरेंशियल रिवार्ड्स की बात कर रहे हैं जैसे मास्टर्स को अलग रिवार्ड देना चाहिए क्योंकि वो अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट को और जो स्लेव्स हैं उनको अलग तरह से रिवार्ड किया जाना है वो मेरिटोक्रेसी मेरिट्स की बात करते हैं ट्रीट इक्वल इक्वली एंड अनईक्वल इक्वली तो इस तरीके से वो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है सॉरी थ्योरी ऑफ जो इक्वलिटी है उनकी वो थ्योरी ऑफ स्लेवरी को जस्टिफाई करते हुए वो इन पर्सनस की जो नेचुरल uh, इनक्वालिटीज को उसको जस्टिफाई करते हैं नेक्स्ट उनकी जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी है थी स्लेवरी के ऊपर क्या विचार थे वो कैसे स्लेवरी को जो है जस्टिफाई करते हैं कि स्लेवरी जो है uh, अच्छी है एक स्टेट के लिए जबकि आप आप देखोगे आज के समय में जो है स्लेवरी को ए, एक एक अच्छा नहीं समझा जाता तो स्लेवरी उनके मुताबिक क्या है एक नेचुरल है बाय बार जो जो है इंडिविजुअल्स आर इक्वल्स इंडिविजुअल जो है इन इक्वल्स ने कुछ मेंटली स्ट्रांग है कुछ फिजिकली स्ट्रांग है जो मेंटली स्ट्रांग है, है वो क्या कहलाएंगे मास्टर्स कह, जो फिजिकली स्ट्रांग है वो स्लेव्स कहलाएंगे और जो मेंटली स्ट्रांग है वो मास्टर्स कहलाएंगे तो नेचुरल है स्लेवरी स्लेव्स भी दो तरह के होते हैं स्लेव बाय लॉ एंड स्लेव बाय नेचर जो स्लेव हैं प्रिजनर्स ऑफ वार जो वार के दौरान जो प्रिजनर कैदी होते हैं उनको जो है स्लेव बाय लॉ कहा गया और जो बाय बर्थ जो हैं में, मेंटली वीक होते हैं उनको स्लेव बाय नेचर कहा जाता है इस तरीके से वो स्लेवरी को यूज़फुल भी मानते हैं क्यों यूज़फुल है क्योंकि वो मानते थे कि जब भी एक स्लेव जो है अपने मास्टर के साथ रहेगा तो उसको वर्चूज़ को डेवलप करने का मौका मिलेगा क्योंकि जो उनका मास्टर है वो वो एक नॉलेजेबल पर्सन है तो उससे बहुत सारे एक्सपीरियंस को उसको सीखने का मौका मिलेगा जब भी और वो कहते थे कि मास्टर्स को जो है स्लेव को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ना कि बुरा व्यवहार उसके साथ करना चाहिए क्यों क्योंकि उनका मानना था कि जब स्लेव जो है अपने में वर्चुअस को कम्प्लीटली डेवलप कर लेंगे तो उसको फ्री किया जाना चाहिए इस तरीके से इस स्लेवरी का जो इंस्टीट्यूशन है इससे दोनों का फायदा होगा मास्टर्स का भी होगा और स्लेव का भी होगा स्लेव का क्या फ़ायदा होगा कि स्लेव को जो है वर्चूल्स को डेवलप करने का मौका मिलेगा और वो भी एक अच्छा इंसान एक बेहतर इंसान जो है बन सकेगा एक नॉलेजेबल पर्सन बन सकेगा जबकि मास्टर्स जो हैं उनको जब जो फिज़िकली वर्क हैं जो हार्ड वर्क हैं वो कौन करेगा स्लेव्स करेंगे तो इससे क्या होगा उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा टू पार्टिसिपेट इन द पोलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट स्टेट के अदर जो राजनीतिक काम हैं उनके उनमें आ, अच्छे से उनको करने का मौका मिलेगा टाइम मिलेगा तो इस तरीके से स्लेवरी जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल है इसी तरीके से उनके थ्योरी ऑफ उन्होंने प्रॉपर्टी दी है तो आइए देख लेते हैं वो प्रॉपर्टी को कैसे समझते थे वो फंक्शनल परस्पेक्टिव से उसको देखते थे कि जो है प्रॉपर्टी जो है एक अच्छी है क्यों क्यों अच्छी है क्योंकि प्रॉपर्टी से क्या होता है कि आपके अंदर जो है एक मोटिवेशन डेवलप होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और एक इससे क्या होता है इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्लासिफाई प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी को दो भागों में डिवाइड करते हैं एनिमेट एनिमेट प्रॉपर्टी एंड इन एनिमेट एनिमेट में कौन हो गया स्लेब्स हो गया और इन एनिमेट में क्या हो गया जब मेटीरियल होल्डिंग जैसे लैंड्स हो गया ठीक है और बाकी चीज़ें मटेरियल जो वो इन एनिमेट कैटेगरी में आ जाती हैं नेक्स्ट उनके उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी को तीन थ्री सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं जहाँ पे कॉमन ऑनरशिप कॉमन यूज़ की बात करते हैं जहाँ पे आम लोग जो हैं उस किसी भी प्रॉपर्टी को जो स्टेट की प्रॉपर्टी है उसमें सभी का हक हाँ होगा और कॉमनली वो यूज़ करेंगे इस सिस्टम को वो रिजेक्ट कर देते हैं क्यों क्योंकि वो मानते थे कि ये इन एफिशेंट सिस्टम है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी जो इंसान के अंदर जो कॉम्पिटिशन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा तो कामन इंडिविजुअल यूज इस सिस्टम को भी वो रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जब सब ऑन करेंगे और इंडिविजुअल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे के होड़ लग जाएगी क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो एक दूसरे को एक्सप्लेट किया जाएगा तो मानते थे कि ये एक्सप्लटिव सिस्टम है जबकि इंडिविजुअल ऑनरशिप और कॉमन यूज था इस सिस्टम को वो अच्छा मानते थे क्यों क्योंकि इंडिविजुअल ऑनरशिप से क्या होगा जब इंडिविजुअल ऑन आन करेगा इंडिविजुअल तो ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करने का ज्यादा से ज्यादा मतलब इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इससे सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी एक मोटिवेशन आएगा तो कॉमन यूज़ से क्या होगा कि जो भी इंसान जो है उसके बाद जो वेल्थ होगी वो क्या करेगा उसका कुछ एक पार्ट जो है स्टेट को देगा जो स्टेट जो है बदले में क्या करेगी उनके हितों के लिए काम करेगी उनके इनके इंटरेस्ट के लिए काम करेगी तो इससे क्या होगा जो एक बैलेंस है जो इनिक्वालिटीज़ है जो एक रूट काज होता है रेवोल्यूशन का उसको भी क्रप करने में जो है रेडिकेट करने में मदद मिलेगी तो ये एक बेस्ट सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी है कौन सा इंडिविजुअल ऑनरशिप एंड कॉमन यूज नेक्स्ट उनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को डिस्कस कर लेते हैं उनके मुताबिक कौन कौन सिटीजन हो सकता है कौन कौन सिटीजन नहीं होगा वो सिटीजन की जो सिटीजन की कैटेगरी को कौन से इंडिविजुअल्स को रखते हैं तो आइए देख लेते हैं उनके मुताबिक सिटीजन क्या है सिटीजन मीन्स टू ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर द स्टेट सिटीजनशिप के मारे, उनका मानना था कि ड्यूटी टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना ही जो है वो सिटीजनशिप को मानते थे ओनली adult मेल्स बिलोंग टू द प्रॉपर्टी क्लास आर सिटीजन सिर्फ जो कौन कौन सिटीजन होंगे जो मेल होंगे और जिनके पास प्रॉपर्टी होगी वही जो है क्या होंगे सिटीजन कहलाएंगे वो इक्वेट करते हैं सिटीजनशिप विद ड्यूटी ड्यूटी के साथ जो है उसको इक्वेट करते हैं उनके मुताबिक वुमेन चिल्ड्रन ओल्ड पीपल एंड स्लेवस आर नॉट सिटीजन उनके मुताबिक औरतें बच्चे बूढ़े और जो गुलाम हैं वो सिटीजन नहीं कहलाएंगे क्यों वो मानते थे कि वुमेन जो है उनके पास टाइम नहीं है उनको से उनको हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है इसलिए उनके पास टाइम नहीं होता टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट चिल्ड्रन जो है वो इमेच्योर हैं आज भी देखा जाएगा कि जो 18 साल से कम है उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है तो चिल्ड्रेस को उस समय भी अरिस्टोटल जो है इमेच्योर की कैटेगरी में रखते हुए उनको सिटीजन की सिटीजनशिप नहीं देते हैं ओल्ड पीपल जो ओल्ड पीपल है उनको में जो फिज़िकल बैरियर है उसको कंसिडर करते हैं वो मानते हैं कि ओल्ड पीपल जो है वो मैंटली वीक हो मैंटली और फिजिकली वीक हो जाते हैं इसलिए उनको जो है सिटीजन नहीं कंसिडर किया जा सकता स्लेव जो हैं वो मानते थे कि ये मैंटली वीक हैं तो इसलिए उनको सिटीजन नहीं सिटीजन की कैटेगरी से बाहर रखा जाना चाहिए तो अब उनकी जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है उसको देख लेते हैं वो अपनी किताब पॉलिटिक्स uh, की जो बुक नंबर फाइव है उसमें कंप्लीटली uh, जो उनकी अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं और वो काजिज़ uh, को फाइंड करते हैं कि क्या कारण है जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या रेवोल्यूशन होती है उनके मुताबिक रेवोल्यूशन क्या है एक छोटी बढ़िया बड़ी जो चेंज होती है किसमें रूलिंग सिस्टम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वो रेवोल्यूशन कंसिडर करते हैं एरिस जो के थे एक कंजर्वेटिव थिंकर थे मतलब वो स्टेबिलिटी को प्रेफर करते हैं ओवर चेंज वो सिस्टम्स को ग्रेजुअली जो उसमें लूप होल्स हैं उनको रिमूव करके एक सिस्टम को बेहतर बनाने की बात करते हैं ना कि उसको कंप्लीटली चेंज करने की बात करते हैं वो रेडिकल थिंकर नहीं थे जैसे उनके गुरु प्लेटो थे क्या कारण है क्या जनरल कॉजेज हैं रेवोल्यूशन के अरिस्टोटल के मुताबिक अरिस्टोटल मानते थे कि इनक्वालिटी वो मानते थे कि इनक्वालिटी चाहे वो इमेजिनेशन में है चाहे वो रियलिटी में है वो क्या है रूट काज है किसका रूट कार्ड है रेवोल्यूशंस का उनके मुताबिक इनजस्टिस हमें किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना है हमें इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना है और अनईक्वल्स को अनईक्वली ट्रीट करना है और साथ ही साथ क्या करना है एक जो वेल्थ है उसको जो है एक्सेसिव वेल्थ किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए उसको क्या करना है उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है और इन इनजस्टिस को रिमूव करना है बैड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस मीन जो भी रूलर्स हैं जब रूलिंग क्लास है वो जब भी क्या होता है वो जब कॉमन पीपल के इंटरेस्ट में काम नहीं करती है तो वो क्या हो जाती है करप्ट हो जाती है उसके कारण जो है रेवोल्यूशन होता है डिज़ायर फॉर पावर जो रूलिंग क्लास है वो हमेशा जो है पावर और प्रिवेज़ के पीछे भागती रहती है तो और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है तो इसलिए क्या होता है ये भी एक रेवोल्यूशन का कारण बनता है नेक्स्ट उनके मुताबिक क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन रेवोलूशंस को रोकने के लिए चेक ऑन करप्शन हमें सबसे पहले करप्शन को चेक करना चाहिए ओविडेंस टू लॉ जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए हर एक व्यक्ति को जो भी काम दिया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ उसको वो अच्छे से परफॉर्म करे नॉट टू माल ट्रीट एनी क्लास किसी भी क्लास को जो है माल ट्रीट नहीं करना आपको सबको इक्वली चीट करना जो भी जो भी जितना कंट्रीब्यूट करता है उसी हिसाब से उसके मेरिट के हिसाब से उसको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए और जो दूसरे के राइट्स में इंटरफेयर करते हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए पैट्रोटिज्म मतलब देश देशभक्ति की भावना जो है हर एक क्लास में होनी चाहिए इसको डेवलप किया जाना चाहिए आइए जो उनके द्वारा फेमस कोर्स दी गई हैं उनको देख लेते हैं तो ये अक्सर एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछी जाती हैं तो उनके उनके एक फेमस कोर्ट्स है जैसे ट्रीट इक्वल्स इक्वल एन अनकुल्स ये उनकी थ्योरी ऑफ़ स्लेवरी या थ्योरी ऑफ इक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए बेहतर स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई है उनकी थ्योरी उनकी किस तरह की सोच थी वो उसको दर्शाती है मैन इज़ बाई नेचर अ पोलिटिकल एनिमल मैन जो है एक पोलिटिकल एनिमल है ठीक है उनके मुताबिक जो है इंसान जो है सोसाइटी में ही सरवाइव कर सकता है अथॉरिटी ऑफ स्टेटमैनशिप इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ मास्टर उनके मुताबिक एक राजा की जो अथॉरिटी है वो डिफरेंट है किससे एक मास्टर से क्योंकि मास्टर जो है अपने हितों के लिए कभी भी अपने जो जो नियम है उनको साइड रख सकता है लेकिन राजा ऐसा नहीं कर सकता स्टेट कम से उनके मुताबिक स्टेट का निर्माण हुआ फॉर द सेक ऑफ लाइफ लाइफ के लिए उसका निर्माण हुआ है. एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एक, एक बेहतर जिंदगी को बनाने के लिए स्टेट का निर्माण हुआ है स्टेट इज द हाईस्ट ऑफ ऑल वो मानते हैं कि स्टेट जो है हाईस्ट ऑफ ऑल दसोशिएशन स्टेट जो है हाइएस्ट एसोसिएशन है ला इज़ अ रीज़न विदाउट पैशन ला क्या है रीजन विदाउट पैशन ला क्या है रीजन है तर्क है विदाउट पैशन जहाँ पे हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को दूर रखते हुए जो कॉमन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए लाज को फ्रेम किया जाता है तो लाइज अ रीजन विदाउट पैशन वन हु कैन लिव विदाउट स्टेट इज आइदर अ बीस्ट आर अ गॉड बट ही कॉन्ट बी अ मैन जो बिना स्टेट के रह सकता है वो या तो भगवान हो सकता है या भूत प्रेत हो सकता है कोई इंसान नहीं हो सकता मतलब कहने का मतलब है मैन जो है वो सोसाइटी में ही सर्वाइव कर सकता है पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनके मुताबिक क्या पॉलिटी क्या एक बेस्ट प्रैक्टिसबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो गोल्डन मीन ऑफ मीन ऑफ रूल को फॉलो करती है उनके मुताबिक गोल्डन मीन इज अ गोल्डन रूल जो मध्यम का रास्ता है जो बीच का रास्ता है किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसका जो मध्यम का रास्ता है आपको उसको फॉलो करना चाहिए जैसे पॉलिटी है एक मध्यम बीच का रास्ता है इसके बीच में ऑलीगर की और डेमोक्रेसी के बीच में जहाँ पे क्वालिटी भी है जहाँ पे क्वांटिटी भी है इट इज इंपोर्टेंट फॉर द रूलर टू बी उनके मुताबिक जो राजा जो है वो जो विचारों की दुनिया में वाइज नहीं होना चाहिए बुद्धिमान नहीं होना चाहिए वो दुनियावी जिंदगी में जो है बुद्धिमान होना चाहिए इट इज इंपोर्टेंट फॉर द रूलर टू बी वर्ल्डली वाइज रादर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज तो ये उनकी इंपोर्टेंट कोट्स थी जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं तो ये आज की लास्ट स्लाइड थी आई होप हमने कंप्लीटली एरिस्टोटल को डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में तो आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और एक बेटर पिक्चर जो आपके माइंड में डेवलप हो पाई होगी एरिस्टोटल के लेकर कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने जो वैल्यूबल फीडबैक है जो जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाएँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे यून विद द चैनल